निश्चित आ चुके हैं चलो 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 बस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला और यहाँ पे देख सकते हैं और अम्बाला में हम लोग कदम रख चुके हैं लोग और थोड़ी देर के बाद से हम लोग जाते हैं मस्त थोड़ा सा फ्रेश हो जाने के बाद ही हम लोग निकलेंगे यहाँ से। ठंडा तो यहाँ पे लग रहा है जी, अंदर तो पता नहीं चल रहा था। हम चलिए तो गाइस फाइनली एक ट्रेन जाती है, बहुत लोगों को खुशियाँ भी मिलती है और फिर एक ट्रेन आती है, बहुत लोग रुलाते हुए आती है। चलिए गाइस अभी हम लोग सामान लेके जा रहे हैं लिफ्ट के पास और लिफ्ट के पास से ही हम लोग जाएंगे क्योंकि बहुत भारी है ये सामान। ट्रेन अभी जा रही थी फिर रेड सिग्नल हो गई लग रहा है उसके, और एक हम लोग ट्रेन से आए हुए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग कि ये क्या खा रही हैं, शरीफा। और करनाल में हम लोग का एंट्री हो चुका है और करनाल से अभी हम लोग को लगता है कि आधा घंटा तो लगेगा। यार जल्दी जल्दी खाइए, पहली बार आई हो इतना दूर, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है लेकिन कल बहुत लेट हो गया था ट्रेन, वो छोड़ो ना, बहुत बोरिंग लग रहा था। समोसे बोलो भैया, समोसे। तो गाइस अब आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग बहुत करते हैं ना हनीमून, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो हम लोग हनीमून पे नहीं जा रहे हैं लेकिन हो सकता है, देखते अभी अभी तो प्लान कुछ भी नहीं। घूमने बोलेंगे हम लोग इस वर्ड कुछ ज़्यादा वो हो जा रहा है, मतलब हम लोग घूमने जाएंगे लोग कहीं ना कहीं, बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। बस आप लोग इतना प्यार दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ लोग मुस्कुरा भी रहे हैं लोग, क्या ये सब ट्रेन में सफर करना खाना भाई। कैसा लगा मम्मी शरीफा? शरीफा को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोग सब लोग जो एकदम मस्त लग रहे हैं, नहीं तो इनका मतलब सामान हम लोग अभी निकाल देंगे उसके बाद से यहाँ थोड़ा सा चार्ज ही कर ले रहे हैं। तो अभी सब सामान हम लोग क्या करना है? सब सामान एक साथ कर देना है, एक डिब्बा में यहाँ पर रहेगा नीचे से पूरा सामान हम लोगों का निकल जाएगा। और ये हम लोग का खाना वाला पैकिंग है ख़त्म हो गया इसका, ये हल्का हो गया एकदम। और मम्मी क्या सोच रही है? हम अपना ब्लॉग का एडिटिंग कर रहे हैं, डालेंगे अच्छे से, और अभी एडिटिंग कर रहे हैं उसके बाद तुरंत डाल देंगे आप लोग के लिए। जो प्रिंट डाल दिए हैं कुछ कुछ बाकी है नहीं डलाया है वो चीज़ हम आप लोगों को दिखा दे रहा है। रेलवे ने हम लोगों को बहुत बढ़िया चादर दिया है इसमें, रेलवे ने आप पहली बार लगता है कि ये सितम्बर वाला चादर हम लोगों को ये दिया है, 8 चादर हम लोगों को मिला है 4 आदमी में है ना, तो हम लोग सुरक्षित रख दिए हैं ताकि नुकसान नहीं हो सके, नहीं हो इसका धुलाई का पैसा बच जाएगा। बोलो रंजना जाना है तुम्हारे पास, वहां पहुंच रहे हैं।
तो रंजना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कुछ नहीं फिर से उसे रिटेक। रंजना आप लोग देख सकते हैं, नहीं रंजना को आप लोग देख सकते हैं, स्टार्ट कर इसे। तो वैसे यहाँ पे रंजना को आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा नाराज हो गई। इस नहीं हो क्या बेटा? खुद थोड़ा डांट दी है इसलिए भमक गई है, और थोड़ा सा नाराज लग रही है। भैया को कॉल आया था, क्या बोले भैया? आएंगे हम लोग को लेने सबको। नहीं वो नहीं, भैया का कॉल आया था ना आपके कन्हैया भैया का, प्रयागराज में है। तो प्रयागराज से कब आएंगे? अभी तो काफी टाइम लगेगा, मतलब कल के मॉर्निंग में सुबह में आएंगे 2-3 बजे। और अभी तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे उतरने वाले हैं, अब बस थोड़ी देर में ही हम लोग तो चलिए गाइस अभी देखते हैं कि एक कॉल तो कोई कीजिए, पूछिए तो आ भी रहे हैं कि नहीं। लगता नहीं है सब, कैसे देखती हो? चाइन मतलब मम्मी चुलबुली, जो चाइन का मतलब क्या होता है? बोलते हैं बहुत चाइन है। इसका मतलब नहीं पता है, झगड़ा है तो मतलब कि जो चुलबुल होता है, चुलबुली टाइप का। वाह सरसों का खेत है, बैकग्राउंड देखो कितना खतरनाक लग रहा है। इसी हाईवे से अंबाला जाएंगे लोग क्या? अभी वहाँ घर रहता तो सही बात है, कम से कम यहाँ नीचे जमीन में यहाँ रहेगा तो फिर दह जाओगी बरसात में। सरसों की खेत में बोल रही हो? यहाँ घर तो बरसात में तो दह जाएंगे फिर तो। ट्रेन का माहौल गड़बड़ हो रहा है बहुत ज्यादा, आईसीसा में से बाहर भी नहीं जा सकता है कोई। अनुष्का बाहर तो घूम के आओ, सुनाते बहुत महाल गर्म हो गया। कीजिए ना चेक कीजिए, पहुंच गए लोग क्या? उतरा जाए आधा घंटे एक घंटा पहले से बोल रही है। चलिए गए, चला जाए आप। फिर खड़ा हो गई अनुष्का, अभी नहीं आया है बस। तो अभी अंबाला के स्टेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत काफी ठंडा है, लग रहा है एकदम कटकटी का ठंडा है, ज्यादा ठंड पड़ रहा है। बहुत ज्यादा ठंडा के साथ साथ खाएंगे हम गर्मा गर्म अंडा। टिकट आ चुके हैं चलो कहा गया बैग आपका? तो गाइस फाइनली यहाँ पे एंट्री हो चुका है हमारी। ए हे ठंडा लग रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, बेंगलोर से सीधे ठंडा में। अभी बेंगलोर में थी ना तुम? वहाँ गर्मी है, अच्छा चल बाबू, पापा पीछे बैठे।